आज पिछले दो दिनों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में पूरे भारत से और दुनिया के कई अन्य प्रमुख देशों से, खासतौर पर दक्षिण एशिया के देशों से 1200 से अधिक समाजशास्त्रियों का समागम चल रहा है। यह भारतीय समाजशास्त्र परिषद का हीरक जयंती वर्ष है, जिसकी स्थापना 1991 में बम्बई में की गई थी। तब से अब तक की यात्रा की समीक्षा करते हुए आज समाजशास्त्र की क्या चुनौतियां हैं, क्या भूमिका है, क्या प्रासंगिकता है, क्या सीमाएं हैं और क्या भविष्य है, इस पर लगभग 22 उप समूहों में 1200 शोध पत्रों के जरिए चर्चा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अलावा 5 विशेष संवाद सत्र हैं, जिसमें भारत के सर्वोच्च स्तर के समाज ज्ञानियों को बुलाया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से। इसी के साथ हम लोगों ने जो शुरुआती कार्यक्रम हुआ, उसमें उपराष्ट्रपति जी श्री मोहम्मद हामिद अंसारी से उद्घाटन भाषण करा के देश को ये बताने की कोशिश की कि इस समय समाजशास्त्र और समाज एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, और हालांकि राजसत्ता और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों समाजशास्त्र की अध्ययन, अध्यापन और शोध में बहुत तवज्जो नहीं देते, लेकिन समाज सत्ता यानी आम व्यक्ति अपनी अस्मिता, अपने असंतोष, अपने अधिकार और अपने अभावों के लिए समाजशास्त्रियों के अध्ययनों को महत्ता देने लगा है। इसी के साथ हमने अब तक की यात्रा में जिन्होंने संगठन बनाने का काम किया, यानी अपने सभी पूर्व अध्यक्षों का, और जिन्होंने असाधारण योगदान किया यानी आजीवन योगदान सम्मान, इसके जरिए कोई 15 समाजशास्त्रियों को चिन्हित किया और देश को उनकी याद दिलाते हुए अपना उनके प्रति आभार प्रदर्शन किया। उद्देश्य इस पूरे प्रयास का यह है कि पुरानी पीढ़ी के कंधों पर खड़ी आज की समाज वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधकर्ता जमात ये देखे कि किन मजबूत कंधों पर वो खड़े हैं, वो कैसे सफल समाजशास्त्री बने, और दूर तक देखते हुए देखें कि आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं, उसके अनुकूल न तो शिक्षा के स्तर में हमें समझौता करना है, न शोध के स्तर में गिरावट आनी चाहिए, और न ही जो इस समय का माहौल है यानी उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्विक पूंजीवाद का सम्मोहन, उसमें जा कर के जो विराट भारत है जिसमें दलित है, आदिवासी है, स्त्रियां हैं, गरीब किसान है, खेतिहर मजदूर है, छोटे कारीगर हैं, और कस्बों में और नगरों में मेहनतकश जनता है, उसको हम ना भूलें। ये भी आज ज़रूरत है कि हम विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच में जो जाति प्रथा बन रही है, यानी विश्वविद्यालय के लोग तो श्रेष्ठ और कॉलेज में रहने वाले, पढ़ने वाले थे, कस्बे में, गांव में रहने वाले हीन और महानगरों में रहने वाले महान, ये एक सतही दृष्टि, इससे भी समाजशास्त्र को मुक्ति पानी चाहिए, क्योंकि ये मीडिया में और कुछ हद तक भारत के योजनाकारों में दृष्टि फैल चुकी है। ये आशा की जाती है कि ये समय और ये समागम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में योगदान करेगा, क्योंकि एक साथ 1200 सक्रिय मस्तिष्क जब समाजशास्त्र के विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे, अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे, अपने वर्तमान को समझेंगे और अपने भविष्य की चुनौतियों का रेखांकन करेंगे, तो लौट करके अपने अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे विश्वविद्यालय में, शोध संस्थान में, नागरिक संगठनों में, मीडिया में, वो एक नए तेवर और एक नई तेजस्विता के साथ अपने अपने मोर्चे पर जुट जाएंगे। तो एक तरह से ये महा समागम समाजशास्त्र की आत्म समीक्षा का भी है, आत्म परिचय का भी है और आत्म साक्षात्कार का भी है। हम लोग ये भी आशा करते हैं कि जहाँ तक वरिष्ठ पीढ़ी ने समाजशास्त्र को पहुँचाया है, उससे आगे ले जाने के आत्मविश्वास को भी ये सम्मेलन जागृत करेगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस सम्मेलन में 2/3 हिस्सेदार नई पीढ़ी के हैं, यानी लगभग 35 बरस से नीचे के हैं, और ये किसी भी विषय के लिए शुभ समाचार है कि बुज़ुर्गों की तुलना में युवा पीढ़ी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है।
ये हमारी एक उपलब्धि है, और यह भी उपलब्धि है कि शासन और कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा बहुत कुछ मदद न मिलने के बावजूद सादगी के साथ संपन्न हो रहा है ये सम्मेलन। विचारों की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है, और यह संपन्नता हमारी व्यापक सोच को और हमारे देश की परिस्थितियों को समझने में समाजशास्त्रियों को मदद करेगी। बिना सादगी और स्वावलंबन के कोई ज्ञानधारा बढ़ नहीं सकती, और अगर उसको किसी ऐसे देश में विकसित होना है, पुष्पित पल्लवित होना है, जहाँ 77% लोग ठीक से दो रोज जून की रोटी नहीं कमा पाते, तब तो उस देश में जरूर सादगी और स्वावलंबन को आधार बनाना पड़ेगा। यही समाजशास्त्र की मूल पूंजी है, और हम लोग इस यकीन के साथ इस सम्मेलन का कल समापन करने जा रहे हैं कि यह भावना समर्पण की और संघर्ष की और एक तरह से संकल्प को और प्रबल करने की हम सब के साथ पूंजी के तौर पर घर लौटेगी, और हम अपने विद्यार्थियों को, अपने सहकर्मियों को, अपने समाज को ये बता सकेंगे कि आज का सच समझने के लिए जहाँ साहित्य उपयोगी है, मीडिया की भूमिका है, राजनीति का महत्व है, वहीं समाजशास्त्र एक अनिवार्य निर्विकल्प ज्ञानधारा है। जहाँ पर ये बह रही है अविरल बहने दो, प्रदूषित मत करो, जहाँ नहीं बह रही है वहाँ इसको शुरू करो।